हेलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू दी चैनल. माय नेम इज़ तरुण गांधी. पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट बंद थे. आज एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव, माइंडली पॉजिटिव ओपन हुए हैं. और एसजीएक्स निफ्टी कल के रैली के बाद एक सब्ड्यूड एक्शन दिखा रहा है मॉर्निंग में. बट मुझे लगता है कि वहाँ पे भी मंदी नहीं रहेगी और हम कंटिन्यूएशन देखेंगे कल के अपस्विंग के बाद. सो निफ्टी का अगर हम बात कर लें तो कल अच्छा क्लोज हुआ, करीबन 100 पॉइंट के आसपास. और अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्लोज के उसके पहले, तो FIIs का फ्लोज करीबन 338 करोड़ नेगेटिव था. DII का फ्लो 645 करोड़ पॉजिटिव था. गोल्ड ऊपर आया हुआ है करीबन 1797, तो 1770 का जो लो बना था उससे ऑलमोस्ट $30 पर आउंस ऊपर आया हुआ है. ब्रेंट क्रूड भी कल के कैंसिल मीटिंग के वजह से ब्रेंट क्रूड भी फर्म अप हुआ है. अब वो ट्रेड कर रहा है करीबन 7756 लेवल्स पर बैरल पे. और मीटिंग कैंसिलेशन का ये था बिकॉज ऑफ द यूएई सऊदी का जो क्लैश हुआ था ओवर दी आउटपुट कि कैसे उनको बढ़ाना चाहिए. तो इस पर एक सहमति नहीं बनी और जिसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई है और क्रूड ऑयल प्राइजेस ऊपर गए हैं. निफ्टी की अभी हम बात करें फिर से तो निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कल का लो था करीबन 15,750 वो रहेगा. रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई है 15,915 वो एक रेजिस्टेंस बना रहेगा. अगर उसके ऊपर जाता है और क्लोज देता है तो हम एक न्यू फ्रेश रैली देखते हैं देख सकते हैं टूवर्ड्स 16,100 एंड 16,200. सो यहाँ से ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि 350-400 पॉइंट की रैली बन सकती है. अगर ये और 100 पॉइंट बढ़ सकता है यहाँ से और अपना ऑल टाइम हाई को सरपास कर लेता है. एक अच्छी खबर है फ्रॉम दी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, पर्टिकुलरली दी एयरलाइंस, जहाँ पे सेंटर ने अलाउ किया है एयरलाइंस को कि जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो प्री कोविड के 65% लेवल पे लेके आ सकते हैं. तो जिसके वजह से पैसेंजर ट्रैवल, जो नंबर्स ऑफ पैसेंजर ट्रैवल होगा वो बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है फॉर कपल ऑफ एयरलाइन कंपनीज लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो. ये कुछ एयरलाइंस हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज भी हैं. और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अनलॉक हुए जा रहा है पर्टिकुलरली इन स्टेट्स, वहाँ पे अब ट्रैवल एंड टूरिज्म फिर से पिकअप करने लगेगा. कल एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक, सॉरी परसों मैंने एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक मेंशन किया था, डेल्टा कॉर्प, जो कि कैसीनो बिजनेस में है. और कल भी मैंने अपने डिस्कशन में भी मेंशन किया था कि ये एक कैसीनो बिजनेस है. होपफुली गोवा में नेक्स्ट वीक से अनलॉक हो जाना चाहिए. लेट्स सी कैसे अनाउंसमेंट होती है. बट एक कल इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई जहाँ पे सिक्किम गवर्नमेंट ने कैसीनो ओपन कर दिए हैं विथ ऑब्वियसली ऑल दी प्रोटोकॉल्स टू बी मेंटेन, जिसके वजह से कल हमने एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा. डेल्टा कॉप में करीबन 196-197 के आसपास क्लोज दिया है. इसके साथ साथ हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी बात की. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी करीबन 20-25 रुपीज़ का जंप दिखाया और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको रेजिस्टेंस है 2150-2160 लेवल्स पे. अगर इसको सरपास कर लेता है तो हम 2200 लेवल्स पे देखेंगे. और मुझे लगता है जून जुलाई में मार्केट्स पॉजिटिव रहना चाहिए और बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी जहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं ऑन दी परसेंटेज साइड. कुछ स्टॉक्स जहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा डेल्टा कॉप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई हो गया. और एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज अप्रिसिएशन हम देख सकते हैं, वो है रेन इंडस्ट्रीज़. करीबन अच्छा करीबन 200 लेवल्स के आसपास ट्रेड करा और अच्छा प्राइस एक्शन कल हमने देखा कल के दिन में. और अगर ये 205-206 का लेवल निकालता है तो एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हो सकता है. उसके साथ साथ हमने 2 दिन पहले ओलेक्ट्रा ग्रीनविच स्टॉक मेंशन किया था. एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं. कल एक इसने ऑलमोस्ट 8-9% का जंप दिखाया था. हमने मेंशन किया था करीबन 235-237 लेवल्स पे और कल की क्लोजिंग करीबन 262 के आसपास आई है. यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 275
आज के दिन में और आगे आने दिनों में, अगर अगर मार्केट अच्छा रहता है, सपोर्ट करता है, और इसने 275 का बैरियर, 275 280 का बैरियर अगर वो सरपास कर लेता है तो ये 300 सवा 300 भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की, तो मिड कैप एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, खास करके जो अनलॉकिंग एज अ थीम है वहाँ पे बहुत सारे प्राइस एक्शन हो सकते हैं, जहाँ पे हमारी एक्चुअली नज़र है, नज़र भी है। उसके साथ साथ हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छे प्राइस एक्शंस हमने कल देखे हैं। तो उसमें से अगर आप तीन चार नाम अगर मैं ले लूँ, वो रिपीट ही रहेगा, RBL बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI। कल SBI ने भी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया, करीबन 2.5-3% का जंप दिखाया और 432-433 लेवल्स पे क्लोज दिया है। ये रेडी है 450 लेवल्स के लिए, और अगर इसको सरपास कर लेता है तो बहुत बड़ा एक प्राइस एक्शन हो सकता है टुवर्ड्स 500-525 ऑल्सो। बट ये मैं कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ हफ्तों में होगा, ये नहीं कि ये इंट्राडे बेसिस पे अचीव हो जाएगा या एक दो दिन में, तो इसको टाइम लगेगा। एक बड़ा स्टॉक है, बट आपको ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, वो है 15,600 और उसके नीचे 15,400। ये अगर जिस भी दिन, मतलब आगे वाले दिनों में, अगर ये जिस भी दिन ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा टुवर्ड्स दी डाउनसाइड। बट टिल द टाइम डोंट बी शॉर्ट इन द मार्केट। मेरे ख्याल से और 300-400 पॉइंट की गुंजाइश है, खास करके निफ्टी में, और देखते हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिन में मिलेगी, जो कि मैं आपसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।